अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज हम देखने के लिए आए हैं दुंदस टावर की कंस्ट्रक्शन अपडेट। तो मैं आपको साइट पर लेके चलता हूँ। आज से कोई दो महीने पहले हम लोग यहाँ पे आए थे, एक मेगा इवेंट चल रहा था, डिस्काउंट इवेंट था, उसके लिए आए थे यहाँ पे और अच्छा डिस्काउंट दिया उस दिन। क्लाइंट आए हमारे और वो काफ़ी हद तक बड़ा डिस्काउंट लेके गए, तो मैं उस दिन तो फर्स्ट फ्लोर की छत डली हुई थी। आज मुझे कुछ ज़्यादा काम नज़र आ रहा है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आज आपको दिखा रहा हूँ मैं कि ये देखिए, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो एक फ्लोर की छत डली हुई थी, अभी तीन छतें डल चुकी हैं, तीसरी डल रही है ऊपर, आपको चौथे की पिलर बंधे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो अभी मैं आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन का काम कितना हो रहा है इसका। ये शोरूम है, ये शोरूम वाली पट्टी है, आप देख रहे होंगे पूरी 3200 स्क्वायर फिट का शोरूम है इसके अंदर, मतलब तीन शोरूम है। आप नज़र आ रहा है आपको, ये शोरूम वाली जगह है और इसकी बेसमेंट भी है, और बेसमेंट के साथ जो है शोरूम है, ये एक ही कोई एक पार्टी होगी जिसको ये दिया जाएगा। अभी तक जो है मुख्तलिफ लोगों से बात चल रही है, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। अब मेज़नाइन, इसके साथ मेज़नाइन भी है और ये शोरूम की जगह है, मतलब यहाँ पे कोई सुपरमार्केट या चेज़अप या इम्तियाज़ इस टाइप की किसी पार्टी को दिया जाएगा, कोई किसी ब्रांड को ही दिया जाएगा। ये बड़ी जगह है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका काम तो तकरीबन जो है इन्होंने खींच दिया है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये इस जगह से दिखाया था मैंने आपको सारा। तो ये लिफ्ट का एरिया है, दो जो है इसके अंदर जो है वो गेस्ट मतलब पैसेंजर लिफ्ट है, और ये बड़ी कार्गो लिफ्ट है, मतलब यहाँ पे कार्गो लिफ्ट लगेगी। और हमने इसी फ्लोर पे खड़े होकर वीडियो बनाई थी लास्ट कोई दो महीने पहले, वो आप लोगों को याद होगा, आप हमारी चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी। ये सामने मेन रोड का ब्लॉक 12 गुलस्तान जौहर ब्लॉक 12 का प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसकी तीन फ्लोर तो पार्किंग है, तो ये देख लें आप, अभी सारी शटरिंग वगैरह लगी हुई है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। क्योंकि काम जो है वो स्टेट गेट वाले जो हैं वो बड़े कमिटेड हैं कि कोई काम बुकिंग हो ना हो, कुछ हो ना हो, लेकिन वो कहते हैं कि हम अपना काम नहीं रुकेंगे। पहले हम आए थे तो एक छत डली हुई थी और अभी जो है इसकी तीन छतें डल चुकी हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा फ्लोर इसका है, बस क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ से शटिंग लगी हुई। और ये हम वापस रैम की तरफ जा रहे हैं, ये रैम 36 फ्लैट हैं इसके अंदर, टोटल 36 फ्लैट हैं और 3 बेड लॉन्च और 2 बेड डीडी, हर फ्लैट कॉर्नर फ्लैट है। और अच्छा, इसमें फ़ीचर भी नहीं ले रहे हैं ये बिल्डर्स जो हैं, वो फ़ीचर के चार्जेस भी नहीं ले रहे हैं। ये बराबर में आपको सामने नज़र आ रहा होगा सीएनजी पंप, ये बिल्कुल कॉर्नर पे बना हुआ है। अच्छा, ये भी कॉर्नर का प्लॉट है, इसकी दूसरी साइड गली, लेफ्ट हैंड पे गली है, राइट हैंड पे सीएनजी पंप है, लेफ्ट हैंड पे गली है। तो ये हम नीचे उतरते हुए आ रहे हैं, ये मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ इसकी वीडियो, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा हुआ था और सेकेंड और थर्ड की जो है वो शटरिंग लगी हुई थी, इसलिए मैं ऊपर नहीं जा सका। अच्छा, ये देखें, ये गली है, पीछे जो है वो टेक्निकल कॉलेज है, बराबर में ये आपको नज़र आ रहा होगा सना एवेन्यू है, सना एवेन्यू ब्लॉक 12 का मशहूर फ्लैट्स हैं, पुराने फ्लैट्स हैं। और इसके बिल्कुल बराबर में ये बन रहा है कॉर्नर का, 450 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के ऊपर बन रहा है, 14 रेजिडेंशियल फ्लोर है इसके अंदर, मतलब 14 तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट फ्लोर है और तीन फ्लोर पार्किंग है इसमें। अच्छा, सबको पार्किंग मिलेगी, कोई पार्किंग बाहर नहीं होगी, नीचे शोरूम आ रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ दोबारा, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसकी मतलब इसके बिल्डर जो हैं बहुत कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं और 40 फिट ज़मीन के अंदर गए ये बेसमेंट बनाने के लिए, कि जिससे बिल्डिंग जो है 14 फ्लोर खड़ी कर सकें। कंटोनमेंट की अप्रूवल मौजूद है और SOP SBCA की और कंटोनमेंट की इनके पास NOC मौजूद है और अप्रूव प्रोजेक्ट है। गुलिस्तान है जौहर में बहुत कम प्रोजेक्ट हैं जो के लीगल प्रोजेक्ट हैं, मतलब एक मिनहाल टावर के बारे में हमेशा बताता हूँ, मिनहाल टावर वाले जो हैं वो एक लीज प्रोजेक्ट है और दूसरा एक ये प्रोजेक्ट आया।
तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि काफ़ी काम तेज़ी चल रहा है इसका, और बिल्डर बहुत कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं। मेन रोड का प्रोजेक्ट है ये, मेन रोड है, और इसके बिल्कुल सामने जहाँ मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पहले कभी बिन हाशिम हुआ करता था, जो कि अब आगे चला गया। ये देखिए आप, ये मेन रोड है, बिन हाशिम तो सामने वाली बिल्डिंग में चला गया है। मिनहाल टावर, बिन सफ़ीर, ये सारे इधर ही मौजूद हैं। ये CNG पम्प है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तो ये है प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट जो है वो मतलब ये जितनी तेज़ी से जा रहा है, ये 4 साल का पेमेंट प्लान था इसका कि 4 साल में देंगे। लेकिन ये कि जिस स्पीड से जा रहे हैं, ये तो इनको मतलब ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहे कि इनकी इनका, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं बोलते हैं बहुत महंगा है। महंगा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2x DD आप अल मिनहाल टावर में जाएंगे तो 1.20 तक का है 2x DD, 1.20 1.25 का, और ये आपको 4 साल के पेमेंट प्लान पे दे रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से महंगा नहीं है, इसमें एमिनिटीज़ बहुत हैं, पार्किंग अंदर मौजूद है। मिनहाल टावर में मसला है पार्किंग का, और ROI प्लान लगा के दे रहे हैं, अलग से लिफ्ट दे रहे हैं पैसेंजर की, बहुत बड़ी क्वालिटी के साथ जो है वो प्रोजेक्ट डिलीवर होगा ये लोगों को, जो लोग भी बुक कराएंगे। तो भाइयों, इसके मैं बुकिंग ऑफिस से वापस आ गया हूँ, और मैं वीडियो को क्लोज़ भी कर रहा हूँ, क्योंकि बस मैं कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखा रहा था कि 2 महीने पहले तो एक ही छत डली थी, अभी तीन छतें और डल गई हैं इसकी। तो रेट वही है जो कि 3-4 महीने पहले था। तो कॉन्टैक्ट करें जो लोग अच्छा फ्लैट बुक कराना चाहते हैं। आप देखें पीछे एक बड़ा प्यारा शानदार सा फ्लैट है, ये इससे शानदार बनने जा रहा है। तो वो 4 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर है, और अच्छा प्रोजेक्ट है। तो फिलहाल जो लोग भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमारी वीडियो देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल्स को लाइक करें और शेयर करें, लोगों से अपने कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। वो जो नए यूज़र आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें कि हमारी मोटिवेशन हो। अच्छा भाइयों, अल्लाह हाफिज़। अपनों का ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।